गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस स्टोरी इज अबाउट अ डॉग who is tired, is sick of living alone, tired of living alone, and is looking for someone under whom he could work like his servant. And this is the story about that particular dog. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. कुत्ते जो पहले थे वो बाकी जानवरों के समान, जैसे बाकी जंगली जानवर होते हैं उन्हीं के समान वो भी जंगल में ही रहा करते थे. तो आखिर फिर वो एज ए डोमेस्टिक एनिमल या और एज अ पेट एनिमल कैसे हुए. डॉग वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू. डॉग पहले अपने मालिक स्वयं हुआ करते थे और ठीक उसी तरह जैसे भेड़िया जंगल में रहता है वैसे ही रहा करते थे इन फ्रीडम. Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. और एक दिन एक कुत्ता जो अपने जीवन से बिल्कुल भी थक गया था, जिस तरह से वो जीवन व्यतीत कर रहा था जंगल में, he was sick and tired of wandering about by himself. वो थक चुका था और परेशान था इधर उधर अपने लिए भोजन ढूंढते हुए, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रॉन्गर देन ही. अपने लिए भोजन ढूंढना, इधर उधर घूमना भोजन की तलाश में, और अपने से ताकतवर जानवर से डर के रहने, इन सारी चीजों से वो परेशान था और थक चुका था. भोजन अपने लिए ढूंढना पड़ता था घूम घूम करके इधर उधर, और वो भोजन ढूंढते समय उसे अपने से ताकतवर जानवर से छुप के रहना पड़ता था, बच के रहना पड़ता था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. And he set out to find such a master. अब एक दिन वो सोचने लगा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, उसके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, और उसने सोचा कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह किसी का सर्वेंट हो जाए, किसी ऐसे जानवर का नौकर बन जाए या ऐसे किसी का सर्वेंट बन जाए जिससे ताकतवर इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे कोई ना हो. और इसी की खोज में वो निकल पड़ा अपने ऐसे मालिक की. ही वॉक्ड
एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वह चलता रहा और एक बहुत ही वायलेंट और फ्राइटिंग बड़े वुल्फ से उसकी मुलाकात हुई, जो कि विशाल और भयानक था, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। उस भेड़िए ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवाएं कोई ले। उस कुत्ते ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवाएं कोई ले, मेरा कोई मास्टर बने, मेरा कोई मालिक बने, क्या तुम बनोगे? भेड़ियों को उसने पूछा। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। वुल्फ ने कहा क्यों नहीं, मुझे ना बनने का कोई कारण नहीं दिखता। और इस बात पे दोनों एग्री कर गए। और फिर अब भेड़िया उसका मास्टर बन गया, वुल्फ उसका मास्टर बन गया और डॉग उसका सर्वेंट हो गया। अब दोनों एक साथ फिर दोबारा चलने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इन टू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। फिर आगे वो चलते गए, अचानक भेड़िया जो है वो अपना नाक उठाया और कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा, और सूंघते ही वो उस रास्ते से तुरंत हट करके, अचानक ही उस रास्ते से हट करके वह झाड़ियों में घुस गया, और धीरे धीरे झाड़ियों से घुसता हुआ और वो वापस जंगल की ओर भागने लगा। अब कुत्ता इसे देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गया। What has come over you, master? He asked, what has frightened you so? अब कुत्ते को ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक उसका जो मास्टर है, जो कि तब तक उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा ताकतवर, विशाल, भयानक, वायलेंट, वो क्यों अचानक भागने लगा है डर करके। कांट यू सी देर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। भेड़िए ने जवाब दिया कि क्या तुम देख नहीं सकते हो कि सामने भालू था, और भालू हम दोनों को आसानी से खा सकता। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। जब कुत्ते ने यह देखा कि अभी जो उसके मास्टर हैं वो सबसे शक्तिशाली नहीं है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली तो भालू है, तो कुत्ते ने डिसाइड किया कि अब वह वुल्फ को जो सर्विस दे रहा है वो कार्य छोड़ देगा, और अब वो अपने लिए नया मास्टर बनाएगा, अपना नया मालिक बनाएगा। क्यों? क्योंकि
उसे उसी समय पता चला कि भालू जो है वो भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है, एंड ही वॉज इन सर्च ऑफ समबडी हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ टू बिकम हिज मास्टर. सो नाउ ही वेंट टू द बियर एंड सेड हिम दैट इज ही गोइंग टू टेक हिज सर्विस. So seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily. और भालू जो है जब वो अपने पुराने मास्टर को छोड़ करके भालू के पास गया और भालू के सामने जब उसने ये प्रपोजल रखा कि मैं आपको अपना नया मास्टर बनाना चाहता हूँ, आपको अपनी सेवाएं देना चाहता हूं, तो भालू तुरंत एग्री कर गया. द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. भालू ने उससे कहा कि चलो अब हम गायों के झुंड को देखते हैं, वहाँ चल के मैं गाय को मारूंगा और हम दोनों अपना पेट भरेंगे. दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेयर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस. वो चलते गए और बहुत जल्द वो एक गायों के झुंड के पास पहुंचे और जैसे ही वह वहां पे गाय के और करीब जाते उन्होंने एक भयानक सी आवाज सुनी और देखा द काउज वेयर मूनिंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन कि गाय जो है वो रंभाना शुरू कर दी जोर जोर से और इधर उधर तितर बितर कोलाहल में इधर उधर भागने लगी अलग अलग दिशाओं में. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. अब भालू जो है वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया और पेड़ के पीछे से उसने देखा और उसने जो देखा उसे देखते ही वो वहाँ से उल्टा पांव करके वापस गहरी जंगल की ओर वापस भाग गया. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग. इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. द लायन Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. उसने बियर ने कहा भालू ने कुत्ते से कहा कि अब मैं क्यों यहां आया. उसने कुत्ते से कहा मैं क्यों यहां आया मुझे मालूम होना चाहिए था कि यह तो शेर की जगह है. इस जंगल के इस क्षेत्र में पूरे के पूरे पूरा का पूरा शेर का अधिकार है. अब कुत्ते ने पूछा कि लायन वो कौन है. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तुम्हें पता नहीं. भेड़ ने कहा कि शेर सबसे शक्तिशाली जानवर है इस पृथ्वी पे. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर.
आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। जैसे ही कुत्ते ने इस बात को सुना, उसने तुरंत भालू को कहा, तब तो मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं तो उसी ही मास्टर बनाना चाहता हूं जो इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और उससे अलविदा कह करके कुत्ता शेर के पास पहुंचा और शेर को भी उसने वही प्रपोजल दिया कि मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूं, क्या आप मेरी सर्विस लेना पसंद करेंगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और कुत्ता शेर के साथ लंबे समय तक, बहुत ही लंबे लंबे समय तक रहा और अपनी सेवाएं उसको देता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए क्योंकि अब वो जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर का दोस्त बन चुका था और इस चीज को सारे जानवर भली भांति जानते थे और कोई भी किसी के अंदर इतनी साहस नहीं थी कि वो उसे कुछ कहता। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग ए पाथ दैट रैन एमिड बेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पाव विथ सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर। देन ही बिगैन टू बैक अवे फ्रॉम अवे वेरी क्वाइटली। परंतु एक दिन जब वो दोनों अगल बगल होकर के एक रास्ते पे चल रहे थे और देर वॉज अ स्टीप हाई रॉक, तभी अचानक शेर रुका और उसने एक जोर से दहाड़ दी और जमीन पे उसने बड़े गुस्से के साथ अपने पंजों को बहुत तेजी से, बहुत फोर्स के साथ मारा। इतना जोर से मारा कि वहाँ एक गड्ढा बन गया और वो वहाँ से वापस चुपचाप जाने लगा। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। शेर ने उसे कहा कि मुझे मनुष्य की गंध आ रही है और ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से निकल चलें, नहीं तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। और जैसी इस बात को कुत्ते ने सुना, उसने तुरंत लायन को अलविदा कहा मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि मुझे इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली जो सबसे शक्तिवान हो उसके पास, उसकी सेवा में रहना है, उसको सेवा प्रदान करनी है, उसे अपना मास्टर बनाना है। और जब अब लायन जो कि मनुष्य से डरने लगा, तो उसने उसको भी अलविदा कहा और कहा कि अब मैं उसे मास्टर बनाऊंगा
जिसे शक्तिशाली पृथ्वी पे कोई ना हो, और वो है मनुष्य। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और कुत्ता जो है तुरंत लॉयन को छोड़ करके उस इंसान के पास आ गया और उसके साथ उसके घर चला गया और बड़ी वफादारी से उसको सेवा देता रहा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है, परंतु आज तक कुत्ता जो है वो इंसान का सबसे वफादार नौकर है, और वो किसी और को अपना मास्टर नहीं समझता है। सो दिस इज बेसिकली दिस स्टोरी इज ट्राइंग टू टेल अस कि इवन द डॉग वंस अपॉन ए टाइम इवन द डॉग्स वेयर वाइल्ड एनिमल्स लाइक अदर वाइल्ड एनिमल्स वो वेयर देयर इन द फॉरेस्ट। And this is how the story gradually moves forward, the instances tells us that how the dog, being a wild animal, how did it convert into a pet animal? आखिरकार वह जंगली जानवर से एक पालतू जानवर कैसे बना? वो सबसे शक्तिवान की खोज में, जो सबसे शक्तिशाली हो उसकी खोज में उसे आखिरकार भालू, पहले भेड़िया, भेड़िए से भालू, भालू से शेर, और आखिरकार उसे इंसान के पास आना पड़ा। और तब से लेकर के आज तक कुत्ता जो है वो इंसानों की सेवा कर रहा है और बड़ी वफादारी के साथ कर रहा है। So this is how the dog from wild animal, this is how the dog became a pet animal from a wild animal. I hope you have understood everything. This is a very small story. In the next class, we will be doing working with the text, the question and answers. Thank you.